enter. So not me. What do I know? All I know is that this is amazing. It takes time. बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत ही मुझे लगता है कि ऐसा एक काम था जिसको करने में पसीने छूट गए, क्योंकि फरीदा खानम की का गाया हुआ एक ऐसा गीत जिसको रिक्रिएट करना था दाग दंड की पोएट्री सो और उसे आज के साउंड के साथ और आज की सोच के साथ रिक्रिएट करना था, येट टू कीप द एंटायर एसेंस ऑफ द गज़ल, वो भी ना मरे, उसकी रूह भी ना मरे. तो फिर हमें हमारे जहन में आया कि हु बेटर देन दिस ब्यूटीफुल टैलेंटेड सिंगर ऐश्वर्या. एंड हमने सुना था इनका एक लाइव वर्जन, शी सैंग सैंग इट ऑन यूट्यूब जस्ट ऐसे ही, एंड वी थॉट कि दिस इज़ इट, दिस इज़ हाउ वी गोइंग टू डू इट. और ये अदायगी जो ऐश्वर्या में है वो जस्टिफाई करती है दाग की पोएट्री को जिस तरीके से उज्र आने में है और बुलाते भी नहीं, ये यही कह सकते हैं. As he said very rightly, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का, it's a job of, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है. एंड सबसे पहले तो ऐसी मुश्किल गजल चुनना वो ही इनके लिए, आई वुड लाइक टू अपलॉड हिम एंड दी एंटायर टीम एट सोफी स्कोर के इतने मुश्किल गाने और उनको प्रेजेंट करने के इतने अलग अलग और बेहतरीन रूप उनको देने, दैट इज़ समथिंग विच आई थिंक इज व्हाट सेट्स सूफी स्कोर अपार्ट. एंड आई फील वेरी ऑनर्ड कि वैसे ही एक प्रोजेक्ट का मुझे छोटा सा हिस्सा बनने का मौका मिला है. आई डू होप मैनी मोर टू कम, बट उज़्र इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स एंड इसीलिए आई हैव परफॉर्म्ड इट ऑन यूट्यूब. एंड जब मुझे पृथ्वी ने फ़ोन किया, दिस इज़ अ फन स्टोरी, पृथ्वी कॉल्ड मी एंड ही वाज़ लाइक हमें आपके साथ एक गाना करना है फॉर सूफी स्कोर, एंड आई वाज थ्रिल्ड. एंड द फर्स्ट थॉट इन माई हेड वॉज कि मैं एक बार पूछूंगी ज़रूर कि क्या मैं गाना चुन सकती हूँ. एंड मैं ये सोच रही हूँ और साथ साथ पृथ्वी मुझे कह रहे हैं कि वी वर थिंकिंग अगर उज़्र आने में भी है हम आपके साथ कर सकते हैं. आई वाज लाइक यस, ये मेरे दिल की बात, दिमाग की बात, मेरे पूरे एग्जिस्टेंस की बात आपने छीन ली है. एंड कैसे छीन ली, आपने बहुत बखूबी गाया है उसे. और आई वुड गिव इट टू सूफी स्कोर बिकॉज़ वो वाहिद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इस किस्म का म्यूज़िक जो कि अमूमन महफिलों से बाहर नहीं निकला है, वो एक बहुत ही इंटीमेट सेटअप में जो मैं म्यूज़िक हुआ है अक्सर, या एक बहुत ही इंटीमेट सेटअप में जो शायरी हुई है, उसको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ दे हैव मोर देन 5-6 million ऑलमोस्ट फॉलोअर्स और ऐसी ऑडियंस को वो एक्सपीरियंस देना, ये सिर्फ सूफी स्कोर इस वक्त कर रहा है. और एंड टू पिक राइट आर्टिस्ट हु कैन जस्टिफाई दी गज़ल दी सॉन्ग, सो ऐश्वर्या एंड ऑफ कोर्स माइसेल्फ. नाइस, वेरी ह्यूमिलिटी इज ऑन द टेबल. बट नो, आई थिंक जितना मजा हमने किया है ये गाना बनाने के लिए, एक और बात, दैट टाइम आई थिंक पैंडेमिक का वो ऐसा दौर चल रहा था कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं थी जब हम गाना बना रहे थे. एंड पृथ्वी केम डाउन टू अहमदाबाद, आई वॉज इन अहमदाबाद जस्ट टू रिकॉर्ड मी. आई थिंक मेरी ज़िंदगी में ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जिसको मैं कभी नहीं भूलना चाहती. मैं भूल नहीं पाऊँगी वो तो अलग ही बात है, मैं भूलना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो आए और हम लोगों ने करीब 2-2.5 दिन एक साथ गुजारे, गाने के साथ गुजारे, एक दूसरे को समझने में कि हाउ आई थिंक ऑफ द सॉन्ग, हाउ ही वॉन्ट्स मी टू सिंग द सॉन्ग, उनकी क्या सोच है. और हमने बड़े आराम से 3-4 घंटे लगा के ये गाना गाया. गाने का समय शायद कम था लेकिन
वो मजा जो हमने किया है, हमने दुबिया एरिक और ऐश्वर्या के, मैंने उनको कहा कि आपकी जो आपका दिल करता है उसे गाए, देन आई एडिटेड द सॉन्ग एंड देन मेड इट इनटू एंड जस्ट टुक द बेस्ट ऑफ हु शी इज एंड हाउ शी सिंग्स, सो वो जाहिर तौर पर आपको इस गजल में दिखाई दे रहा है। आई होप यू नो एक गजल को टू ब्रिंग इट एंड गिव इट अ न्यू डिमेंशन ऑल टुगेदर, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नई आउटफिट टू इवन रिलेट टू द यूथ, आई थिंक दैट्स रिमार्केबल। और आपने ये सोचा तो वो कैसे आपको लगा कि दिस वुड कनेक्ट एंड यू नो व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दैट? द थॉट बिहाइंड दैट कि इसको बहुत ही टिपिकल वे में अगर करूँ तो फिर तो देन वी ऑलवेज वी ऑलरेडी हैव द ओरिजिनल फ्लॉलेस वर्जन ऑफ फरीदा खानम जी, और उस वो एक अलग एक मयार है, बट जस्ट के हम इसको आज करें इस कॉम्पोजिशन को तो हम इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, बस वो एक हम्बल एक्सप्रेशन ही है उस और हम्बल अटेम्प्ट ही है। हर दौर में संगीत चेंज होता है और ये एक बड़ा हम्बल तरीका है टू जस्ट कन्वे सेम द सेम म्यूजिक कैन बी इंटरप्रेटेड इन सो मेनी वेज, एंड जो गज़ल का मतलब है वो मतलब फिर भी इतने सालों बाद, इतने डेकेड्स के बाद भी मतलब जो है वो बिल्कुल कायम है। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ रेजोनेट्स विद एवरी जेनरेशन, बस उसको उसकी डेप्थ चेंज होती गई है, उसके उतार चढ़ाव चेंज होते गए हैं, एंड गज़ल में ज़्यादातर रिलेशनशिप्स के टूटने या बंधने की बातें होती हैं, एंड वो तो कभी भी हर ज़माने में रिलेशनशिप्स तो होती ही हैं। सो दिस इज़ जस्ट अनदर वे ऑफ पोर्ट्रेइंग व्हाट डाग साहब डिड और रोट, एंड डेफिनेटली देर कैन नेवर बी अ कंपैरिजन, देर शुडन्ट बी अ कंपैरिजन। हम अलग ज़माने में हैं, वो अलग ज़माने में थे, और ये महज एक अटेम्प्ट है राइट उसको जीने का, उसको एक्सपीरियंस करने का। सो आई थिंक इट बिगिंस विद अस, हम लोगों ने इसको इतना मज़े से जिया है कि हम उतना ही चाहते हैं कि लोग भी इसको पसंद करें। And the song will be out on 25th. So what kind of response you are looking forward to? Of course, we're looking for a very positive, great, and I'm very sure we'll get a very good response, because ये जो composition है, जो music है, ये already इतना great level है. So जिनको music की समझ है, वो of course they're going to appreciate and like it. और बाकी तो फिर हमने बनाया है उन लोगों के लिए जिनको उर्दू पोएट्री से प्यार है, जिनको इश्क है अच्छे म्यूज़िक से, जो गज़लों को पसंद करते हैं, जो इस किस्म के म्यूज़िक को पसंद करते हैं, ये उन्हीं के लिए है। पृथ्वी म्यूज़िक की बात की जाए तो सूफी स्कोर प्रिजर्व्स, आई ऑलवेज फील दैट दे गेट द बेस्ट म्यूज़िक आउट जो अभी मार्केट में या यू नो इट्स नॉट इन दैट स्पेस, तो what do you have to say about that? You know, it's bringing your culture back, your music back, aur usko ek tarike se jaise nayi outfit dena aur sab tak pahunchana. So what do you have to say about that? So ek bahut arse se hum is cheez ka intezar karte ki koi aaye aur is music ke liye kuch kare, aur phir Sufi score hua, aur is baat ki khushi ki main unka sabse pehla artist tha, because I know how the entire ye kaise shuru hua, ye pura silsila Sufi score safar, aur इंस्टाग्राम लाइव से, फिर ड्यू टू पैंडेमिक दिस हैपेंड ना, ये अच्छी चीज हुई Zoom पे और ये महफिल और ये, और फिर उसके बाद यूट्यूब लाइव, एंड देन दे डिसाइडेड के व्हाई नॉट अ चैनल, एंड देन दे जस्ट वेंट ऑल आउट द एंटायर टीम ऑफ सूफी स्कोर। और आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड, सूफी स्कोर हैज मेड श्योर कि गजल को सिर्फ संगीत से नहीं लेकिन विजुअली भी इतना ज्यादा अडॉर्न करते हैं, उस पर उसको इतने अच्छे से सजाते हैं, और वो एक जो खुला हाथ होता है ना, आप पे छोड़ दिया, आपको जो करना है करो, वो फ्रीडम मिलना आर्टिस्ट के लिए, आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पेकेबल एंड नो क्वेश्चंस आस्क्ड। एक बार आपको गाना दिया, आपको आपके ऊपर इतना भरोसा, और आपके नॉट जस्ट आपके टैलेंट पे लेकिन आपकी समझ पे इतना भरोसा कि आप गाने के लिए जो सही है वही करेंगे। सो ये एक प्रोड्यूसर की तरह अगर मैं उनको देखूँ तो आई थिंक ऐसे
प्रोड्यूसर मिलना बहुत मुश्किल है, मैं तो कहूँगी नामुमकिन है. और आई वुड ऑल्सो लाइक टू मैंशन कि जितनी मेहनत हम लोगों ने, मैंने तो फिर भी काफ़ी काम पृथ्वी ने की है, ब्रिंगिंग टुगेदर द बेस्ट ऑफ द आर्टिस्ट फॉर द सॉन्ग, वेदर इट इज पारस जी ऑन फ्लूट और इट इज संजय जयपुर वाले और प्रशांत जी ऑन तबला, देयर इज सारंग ऑन सरोद and so many more Tanay on the mix, the finest of the industry have come together to create this song. So main to apne aap ko zyada hi khushkismat samajhti hu ki I landed this lottery of a song, and usse bhi badh ke cherry on the cake was the opportunity to get to shoot the video at the great ND studios, jahan pe ek aisa set humko mila जिसके ऊपर रियली आई फेल्ट लाइक अ प्रिंसेस फॉर टू डेज. आई लिव्ड द लाइफ ऑफ अ प्रिंसेस एंड मिशन फॉर टू डेज एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो आपने इंटरव्यू में भी जो आप देखेंगे देखना होगा, कुछ ऐसे भी पल होते हैं जिसको बाद में जब जिए या सोचें तो बहुत हंसी आती है. मुझे तो तब भी बहुत हंसी आई थी, बट यू ऑल्सो डोंट नो दिस, इन द वीडियो देयर इज अ लॉट ऑफ धूप, मतलब लुबान वाली धूप. ओके, और वो धुआं तो इट्स धुआं 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 एवरीवेयर, और इतना धुआं मैनेज करना इज अ वेरी बिग डील. तो जब देखो, जहाँ देखो, कोई ना कोई वो चुल्लुबान की टोकरी होती है उसमें कोयला डाल के उसको बार बार चला रहा है हर जगह, जहाँ देखो लुबान लुबान लुबान. मेरा नाम जितनी बार नहीं लिया उतनी बार तो लुबान बोला होगा. एंड इवेंचुअली अगर आप लोग हमारा ब्लूपर देखेंगे तो उसमें हमारे पास एक ऐसा भी वर्जन है कि जिसको हमने दिया है उज्र आने में भी है फीचरिंग लुबान. सो आई गेस दीज स्मॉल थिंग्स मेक द होल एक्सपीरियंस सो मच मोर होलसम, एंड आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी कि ये हमारा एक्सपीरियंस दुनिया के साथ अब हम शेयर कर रहे हैं. ऐसी गजल होती है उसमें म्यूजिक का जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत अलग होता है. आई थिंक देयर मोर लाइव इंस्ट्रूमेंट, सो व्हाट हैव यू यूज्ड, व्हाट्स डिफरेंट इन दिस? सो वी हैव यूज्ड अ ब्लेंड ऑफ वर्चुअल साउंड्स एंड द ऑफ कोर्स द एकॉस्टिक लाइव इंस्ट्रूमेंट. जैसे पारस नाथ जो हैं हमारे हिंदुस्तान के मेरे मोस्ट फेवरेट फ्लॉटिस्ट हैं, ही हैज ब्लेस्ड द सॉन्ग एंड ऑफ कोर्स सारंग ऑन सरोद एंड देन वी यूज तबला एंड यूज guitars and the bass and then the electronic of course twig and uske baad Aishwarya's voice aur wo sab mila kar ke jo magic hua hai kyunki mehfilon mein it is always just ek tabla ek sarangi ho gayi aur gana ho gaya, wo ek bahut hi minimalistic aur bahut hi ek khoobsurat setup hai, but usko agar हम करें तो और सजाना है इस किस्म के वीडियो के लिए, अगर उसको लार्जर देन लाइफ वाला फील देना है तो हमने इस इतने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया और वो सब कुछ बहुत खूबसूरती से ऐड कर रहा है. और एक एक जो छोटी छोटी बाबत के जो ली गई है, इट इज जस्ट इट्स थ्रिलिंग टू लिसन टू. जब आप सिर्फ गाना भी अगर सुन रहे हैं, वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो अंदर से आपको एक अरे वाह क्या बात है, दैट वाह क्या बात है कम्स रियली फ्रॉम विद इन, एंड दैट इज इनक्रेडिबल. हर एक आर्टिस्ट ने इसमें अपना एक छोटा सा अंश छोड़ा है, इज व्हाट आई बिलीव, एंड दैट इज यू सेड इट वेरी करेक्टली, दे ब्लेस्ड द सॉन्ग. एंड गजली का कल्चर है जो अब लोग उसकी तरफ करने की चाहत हो रही है, फिल्मों में हो रही है गजलें, अब लेटेस्ट कोई फिल्म आई उसमें एक गजल हुई है, उसके पहले भी हुई है, तो ये अब मुझे लग रहा है लोगों का ध्यान इस तरफ आ गया है कि हमें गजलें करनी है. बट मुझे लगता है कि ये जो हमने कॉम्पिटिशन उठाई है ये सही सिलसिला है गजलों का, जो सही स्कूल से हम आ रहे हैं और एक अच्छे तौर से और तरीके से गजल हो रही है. So we would definitely like to hear the unplugged version without an instrument, of course. एक ऐसा शेर है कि जो हमने बड़ी आर्ग्यूमेंट के बाद मैंने उसको agreed किया, अच्छा ठीक है, हम वो शेर नहीं, मैं कहा उनकी गलत है, लेकिन फिर भी मैंने आर्ग्यूमेंट किया था उस वक्त कि मुझे ये शेर भी गाना है, जो मैंने गाया भी था, लेकिन Don't explain, उज़र आने में. Sure, I would love to.
उज्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं. प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. उज्र का मतलब होता है बहाना. तो बहाना आने में भी है और आप बुलाते भी नहीं. बाई से तर के मुलाकात बताते भी नहीं. बाई यानी कि रीज़न कि क्यों आप हमें नहीं बुला रहे हैं. तर्क मतलब मुलाकात यानी एक्वेंटेंसशिप को और यूं ही तोड़ देना. इस सब का कारण क्या है. कारण है इस बाई. सो बाई से तर के मुलाकात बताते भी नहीं. और एक उसका शेर है जो मैं बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ. सीधा गा ही के गा. खूब मर्दा है कि चेमन से लगे बैठे हैं. खूब मर्दा है कि चेमन से लगे बैठे हैं. आते भी नहीं. आते भी नहीं. वाह वाह वाह. उज्र आने में है और बुलाते भी नहीं. वाह वाह.